हेलो स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मुझे लगता है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग वे से वो पढ़ रहे होंगे और जितना हमने किया है वो आपने कर लिया होगा। यू आर वॉचिंग मी ऑन क्लास अपार्ट यूट्यूब चैनल जो कि अनअकैडमी का है। अनअकैडमी के आप मुझे चैनल पे देख रहे हैं, डेली 5 PM आप मुझे देखते हैं। यू नो अबाउट मी, माई नेम इज मलिका सेठी, यू साइंस एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को आगे कंटिन्यू। हमारे 2 या 3 डेज में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ कराने से पहले हम अनअकैडमी के बारे में देखते हैं। सपोज कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लर्नर्स होंगे जिनको नहीं पता कि अनअकैडमी लर्नर ऐप क्या है, तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज अनअकैडमी लर्नर ऐप। तो आप अनअकैडमी लर्नर ऐप क्या है, आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्च करें, इंस्टॉल कर लें, आपके मोबाइल में आ जाएगी। जैसे और ऐप्स हैं वैसे आपके मोबाइल में अनअकैडमी लर्नर ऐप आ जाएगी। उसमें 2 टाइप के कोर्सेज हैं, एक तो स्पेशल कोर्सेज है, एक प्लस कोर्सेज है। स्पेशल कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोई भी टॉपिक, पूरा का पूरा सिलेबस, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, अपनी मर्जी से जो एजुकेटर आपको अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ सकते हैं वीडियोस की फॉर्म में। जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रही हैं वैसे आपके स्पेशल कोर्सेज में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। यूट्यूब और उसमें फर्क क्या है, यूट्यूब में जैसे आपको मैं मिल रही हूँ, आज कोई टॉपिक डाला, कल कोई टॉपिक डाला, तो पूरा का पूरा ऐसे कोर्स नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। सेकेंड, आपको स्पोर्ट स्पेशल क्लासेस आप पढ़ रही हैं उसमें आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरा प्लस कोर्स भी ले सकते हैं। प्लस कोर्स मींस आप अपना पर्सनल ट्यूटर की तरह आप उसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन मींस आप पे कर सकते हैं। आपको पे करने के लिए करना क्या होगा, लर्नर ऐप डाउनलोड कर ली, आपने पे कर लिया, आपको उसमें पहले तो ये देखो बहुत सारे फायदे हैं। आपको नोट्स मिलेंगे, स्पेशल कोर्सेज में नोट्स नहीं मिलते हैं। सेकेंड, आप अपने पसंदीदा टीचर से, जो भी आपका फेवरेट टीचर होगा, जिसकी आपको अच्छे से समझ आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। डेली रूटीन वाइज आप क्लास लगा सकते हैं, लाइक 5 PM लगाना चाहते हैं तो 5 PM लगा सकते हैं, जब आपको कंफर्ट लगता है आप उसी टाइम पे लगा सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स की क्लासेस लग सकती हैं, उसमें टेस्ट सीरीज आपकी होती है, वीकली वीकली टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। एक फायदा हो रहा है आपके लिए, जब आप वहां पे करेंगे, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन है ऑब्वियसली आपको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं तो उसमें आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा, तो उसमें भी अनअकैडमी आपको ऑफर दे रही है कि आप पे करेंगे और अगर आप एक कोड यूज करते हैं MASE, लाइक देखो अगर 6 मंथ की बात करते हैं, 48 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन है। सपोज आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, वैसे पहले तो इसमें 33% पहले से ही ऑफ मिलेगा आपको। कितना पे करना पड़ेगा आपको, 10,000 पे करना पड़ेगा। फिर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं MASE तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ओनली 9,000। तो मींस आपके 1,000 rupees और बच गए। प्लस आपको क्या मिल गया, सब कुछ आपकी मर्जी से, टाइम आपकी मर्जी से, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको अपने घर पे बैठ के पढ़ना है, जो आपके डाउट्स हैं वो भी आपको डाउट्स भी आप अपने घर बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं टीचर्स के सामने हेजिटेशन होती है कि डांटे नहीं या मैं इस क्वेश्चन को कैसे पूछूं। ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे रहता है कि थोड़ा सा हमें रहता है कि हम अपने डाउट को कैसे पूछें, तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। प्लस क्लासेस में लाइव सेशन होते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं उस टाइम पे, एंड आप वीडियोस के फॉर्म में भी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। लाइक ये देखो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस टाइप से आपने क्वेश्चन की क्या करनी है, पिक्चर क्लिक करनी है, देन आपने अपलोड कर देनी है विद सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स का है, केमिस्ट्री का, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपने सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने अपना डाउट बता देना है कि मुझे इस क्वेश्चन में इस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसका आंसर्स के फॉर्म में वीडियो मिलेगा और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। मीन्स हम अनअकैडमी एजुकेटर्स का टारगेट सिर्फ एक ही है, आप लोगों को इजी वे में, इजी से इजी वे में पूरी की पूरी, चाहे वो साइंस है, केमिस्ट्री है, स्टडी का कोई भी पार्ट हो, आपके ब्रेन में एक बार आ जाए तो जाए नहीं, आपका कंपटीशन क्रैक करना जो है वो हमारा एम है। तो हम अपना हेल्प, हम अपनी तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपनी एफर्ट्स लगाएं, प्लस सब्सक्रिप्शन लें, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हैं, आप अपना पूछें और अपने टेस्ट को, अपने क्रैक्स कीजिए, अपने एम को, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहते हैं वो बने। तो
तो ये हम लोगों का एम है। एंड अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू लर्नर है तो पहले सब्सक्राइब कर दे, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अब हम करते हैं हाइड्रोकार्बन। हमारा कार्बन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बोलोगे कि मैम तो लाइफ प्रोसेस में भी बोलते थे कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्चुअली टेंथ की साइंस अगर आप अच्छे से करोगे ना, समझ के करोगे, बिल्कुल मेरे साथ रह के मेरे से करोगे, तो आई एम श्योर कि आपको भी टेंथ क्लास की साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर तो मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैंने पहले क्या करवा दिया आपको, कार्बन की प्रॉपर्टीज बता दी कि जो कार्बन होती है वो टेट्रावेलेंट होते हैं, मीन्स कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाते हैं। और हमने किया कि कार्बन कैटिनेशन शो करती है। कैटिनेशन मीन्स कार्बन अपने साथ ही लॉन्ग 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 चेन बनाता है। तो कार्बन की हमने प्रॉपर्टीज कर ली, क्या की थी, ये टेट्रावेलेंट होते हैं। एंड हमने ये कर लिया कि ये क्या शो करते हैं, कैटिनेशन शो करते हैं। फर्दर हमने किया था कि एलोट्रोप्स कौन से होते हैं, डायमंड होता है, बकमिस्टर फुलरेंस होता है, ग्रेफाइट होता है। एंड कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मीन्स हमने कार्बन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो सारी कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी यूजफुल फॉर यू। 10th क्लास के बेसिस के लिए हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का क्या मीनिंग है कि जो किससे मिलके बने होंगे, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बने होंगे। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बने होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। नेम जो भी चीज है ना, मोस्टली हम अपने नेम का भी बोलते हैं तो कहते कोई ना कोई मीनिंग तो होगा ना नेम का। तो वैसे ही जो भी साइंस के भी है उनमें भी बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो नेम से ही क्लियर होते हैं कि हाँ यही इसका जो है मीनिंग है, इस नेम से उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। अब देखो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हूं उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मेनली। हम एरोमेटिक को भी, एरोमेटिक के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे 10th क्लास में, इसमें सिर्फ आपका जस्ट इंट्रोडक्शन है। आपको वैसे थ्री टाइप के ही बताने हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक, ठीक है। बट इसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मेनली जो आपका आएगा वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन और कार्बन के बीच में, हमने ये पढ़ लिया पहले, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए पहले, कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन का कहां पे रोल होगा वो मैं अभी बताती हूँ। जस्ट आपको बता दूं कि व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड। These type of hydrocarbons are known as saturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons क्या होती हैं? Unsaturated are those जिसमें carbon और carbon में double bond होगा और carbon में क्या होगा, triple bond होगा, ठीक है। उसको alkynes बोलते हैं। Double bond वाले को alkene बोलते हैं, triple bond वाले को ion बोलते हैं। Means two type की है, saturated और unsaturated। सैचुरेटेड वाले तो वही होंगे जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड वाले में डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन्स बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइन्स बोलते हैं, ठीक है। एरोमेटिक जो होते हैं वो क्लोज रिंग्स होती हैं, रिंग की फॉर्म में होते हैं। अब देखो ये एल्कीन्स एल्कीन्स एल्काइन्स लिखा हुआ है तो ये क्या मीनिंग है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोकार्बन क्या होती है। ये तो हमने जस्ट कर लिया कि व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड। देखो हमने ये बोला कि कार्बन जो है, मैंने अभी आपको बताया, मैंने पहले बताया कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, फोर बॉन्ड बनाता है। तो इसको फोर बॉन्ड बनानी है तो ये हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाएगा, वन कार्बन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर में, वन टू थ्री एंड फोर। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? वन वन इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? वन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वन होंगे। तो ये क्या करेंगे, एक एक कार्बन के साथ ऐसे शेयर करेंगे, शेयर कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है, ये क्या होगा, जो मैंने ये स्ट्रक्चर लिखी है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कार्बन CH4 की का, इसका क्या मीनिंग है कि वन कार्बन जो है वो फर्दर फोर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। दिस कंपाउंड इज नोन एज मीथेन। तो ये मैं बताऊंगी कि मीथेन कैसे बोलते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्ड बना रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जब अपने आप को कोई कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हो गया ये क्लियर बच्चों की हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हम बात कर रही हैं सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड में मैंने आपको अभी बताया कि जो सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं। अब देखो कार्बन कार्बन में सिंगल, अभी तो मैंने जस्ट जो आपको करवाया वो कार्बन और हाइड्रोजन था ओनली। अब हम बात करते हैं कार्बन और कार्बन की। वो देखो हमारे पास क्या है, टू कार्बन है, वन कार्बन ये, वन कार्बन ये। इसके पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कार्बन है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल। तो इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, वन यहाँ, वन यहाँ, वन यहाँ। हाइड्रोजन के पास हम सबको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, शेयर कर लिया, शेयर कर लिया, शेयर कर लिया, शेयर किया, शेयर किया, शेयर किया। इसने कार्बन के साथ वन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, मीन तीन तीन इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर किसके साथ किया? हाइड्रोजन के साथ। लाइक आप इस टाइप से बना सकते हैं कि CH3C फिर CH3, इस टाइप से। अब देखो क्या है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH3 एंड CH3। अब देखो क्या है, यहां आप एक चीज देखो कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो ये सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये तो हो गया सैचुरेटेड। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे होगा? देखो कार्बन और कार्बन हमने लिया, यहां हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, यहां हमने एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन इज हियर, वन हाइड्रोजन इज हियर। इसने क्या किया, हमने कार्बन के फोर इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे कर दिए कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वन तो इसने यहाँ शेयर कर लिया इस हाइड्रोजन के साथ, वन आई इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, वन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, वन किसके साथ किया? इन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और दो इन्होंने आपस में ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ठीक है, आपको एक चीज और भी नोटिस करनी है, वैसे अगर आपको आता है ना, एक बार आपने अच्छे से कर लिया तो आपको बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप देखो इसकी वैलेंसी अगर काउंट करते हो शेयर करने के बाद, तो इस कार्बन ने कितने शेयर किए? फोर इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी थे, फोर तो थे, अब इसके पास देखो कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एट हो गए, फोर इसके पास ऑलरेडी थे, फिफ्थ इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, सिक्स इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, सेवेंथ एंड एट्थ इसने इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया। तो अब इसमें कार्बन और कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए? डबल बॉन्ड हो गए। कार्बन कार्बन हैव डबल बॉन्ड, सो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम उनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अब देखो यहीं पे मैं इसको वो कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ
कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पे ये वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर नहीं किया जाए, ये हाइड्रोजन के साथ भी हम शेयर नहीं कर रहे, हमने क्या किया, कार्बन और कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं, ये क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो मीन्स इनके पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3 ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। 1 इसने हाइड्रोजन के साथ किया, 1 इसने हाइड्रोजन के साथ किया, ये जो हम 1 बॉन्ड बना रहे हैं ना, 1 बॉन्ड शोज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिल गया क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन ने क्या किया, 1 इसके साथ 1 2 3 इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 एक इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे, 7 8 हो गया, एक ही हो गया। तो ये भी हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ये भी हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है, और जो ये सिंगल बॉन्ड वाला है ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड है। अब देखो आपने यहां देखा होगा, आपको यहाँ पे ये चीज दिख रही होगी कि एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। व्हाट इज एल्केन एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अब देखो अगर हम किसी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो क्लासेस होती है, ये 7th क्लास है, ये 8th क्लास है, ये 9th क्लास है, ऐसे हमने उसको क्या डिफरेंशिएट किया हुआ है कि 7th क्लास के स्टूडेंट्स की स्टडी, उनका सिलेबस अलग होगा, उनकी एज अलग होगी, उनके टीचर्स अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा उनका, बट वो है स्टूडेंट्स। वैसे ही अब हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, बट हमने इसको एक जर्नल नेम दे दिया, एक क्लास का, जैसे ये 7th क्लास है, ये 8th क्लास है, 9th क्लास है, वैसे हमने इसको नेम दे दिए कि जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे। वो वाली क्लास का नाम या उस ग्रुप का नाम क्या दे दिया, एल्केन्स दे दिया। एंड जिसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा उसको, उस क्लास को हमने क्या नेम दे दिया, एल्कीन्स का नेम दे दिया। एंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हमने क्या दे दिया, एल्काइन्स नाम दे दिया। अब देखो एक चीज आपको और क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, आपके पास क्या है, एन दिया हुआ है, आपको पीछे इन दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, आयन दिया हुआ है। थोड़े से देखो एक बार, अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, क्योंकि एक बार में इतनी सारी नई चीजें ब्रेन में नहीं आती है, बट अगर आप बिलीव मी, अगर आप 2 या 3 बार अगर करोगे ना, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये वाला चैप्टर। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चीजों को अंडरस्टैंड करो, धीरे धीरे याद करो, जैसे कि आपके पास नया वर्ड आया एन इन आई, तो उसको अपने अच्छे से राइट डाउन करके देखो कि आपको आता है, और आपके पास आया कि डबल बोन ट्रिपल बोन, तो आप करके देखो, लिख के देखो कि डबल बोन कैसे बना, फिर आपको ये बहुत ईजी लगेगा। अब देखो क्या है एन, एन किसके लिए यूज किया गया है, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बोन है। इन किस लिए यूज किया गया है, जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। आयन किसके लिए यूज किया गया है, जब कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, मींस सिंगल बॉन्ड वालों के लिए एन यूज किया गया है, डबल बॉन्ड वालों के लिए इन यूज किया गया है, ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए आयन यूज किया गया है। एल्केन, एल्के का क्या मीनिंग होता है, एल्के मींस हो गया कि सीरीज, कार्बन हो गया, तो एल्केन मींस कार्बन कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स मीन्स कार्बन कार्बन हैव डबल बॉन्ड, एल्काइन्स मीन्स कार्बन कार्बन हैव ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हो गया ये वाला क्लियर आपको कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड देन एन इन एंड आयन क्या होते हैं। अब एक चीज और देखो, अब मैं आपको बताऊंगी, अगर हम बात करते हैं एल्केन की, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया साथ में एल्कीन, देन लिखा हमने एल्काइन। अब इसमें देखो हमने एक चीज की थी कैटेनेशन, की कार्बन कार्बन जो है वो मैनी नंबर्स ऑफ एटम्स क्या बना सकते हैं, एक चेन बना सकते हैं। अब मैंने आपको ऐसे तो बता दिया कि कार्बन कार्बन ऐसे है, तो आपने वन लिख दिया कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन, इतने 2 कार्बन है, एक बॉन्ड बना दिया। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 10 कार्बन की एक जो वो बताओ, फॉर्मूला बताओ, कंपाउंड बताओ, कि जो 10 कार्बन है, अगर आप इस टाइप से लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप हाइड्रोजन काउंट करोगे, तो भाई आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि आप इतने सारे कार्बन लिखोगे, फिर आप हाइड्रोजन लिखोगे, प्लस में टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, जैसे हमने इसको 7th क्लास का नेम दिया, मैं इसको बोल देती हूँ, सपोज मैंने इसको 7th क्लास का नेम दिया,
ये मैंने 8th क्लास का नेम दे दिया, ये मैंने दे दिया 9th क्लास का नेम दे दिया। अब मैंने उस पे कोड लगा दिया कि इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर हम उस कोड को याद रखते हैं तो उसमें हम स्टूडेंट नंबर लिखेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा स्टूडेंट का बायोडाटा आ जाएगा। कि मैंने अगर लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाटा बनाना है तो मैंने एक 7th क्लास के लिए फॉर्मूला बना दिया कि उसमें अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम डालूंगी तो वो नाम डालते ही पूरे के पूरे उसकी बायोडाटा आ जाएगा कि उसका ये है, यहाँ से रिलेटेड है, ये सब है। तो वैसे ही एल्केन के पूरे सीरीज को लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया, CnH2n+2 बनाएंगे। ये जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन है। n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है यहाँ पे हमारे पास? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि क्लास स्टूडेंट, ये हमारे पास जो n है वो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है। या हम किसी स्टूडेंट का बोले कि स्टूडेंट का नेम, मलिका का बायोडाटा बताओ, तो हमारे पास ये एल्केन का हमने लैपटॉप में वो वाला फोल्डर ओपन किया, n की जगह पे मैंने मलिका डाल दिया तो मलिका का पूरा बायोडाटा आ गया। n की जगह पे मैंने कोई और नेम डाला, पूरा का पूरा बायोडाटा आ गया। तो ये मैंने एक क्या कर दिया, फोल्डर बना रखे है। लाइक दिस एल्केन का एक जर्नल फॉर्मूला है कि हम जैसे ही n का फिल करेंगे हमारे पास वो कार्बन का फॉर्मूला आ जाएगा। 10 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम फिल करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। 9 कार्बन के लिए n की वैल्यू अगर हम 9 पुट करेंगे तो हमारे पास वो फॉर्मूला आ जाएगा। एल्कीन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n है। एल्काइन के लिए क्या है, CnH2n-2 है। अगर आपको इसको इजी वे में याद रखना है तो एन ईन आइन लिख लो पहले, तीनों के अंदर CnH2n है, CnH2n है, CnH2n है। एन के अंदर प्लस हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आपका था जो लर्निंग पॉइंट था कि एन ईन आइन मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एंड एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, इन के लिए CnH2n, आयन के लिए CnH2n-2 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, जनरल फॉर्मूला है। अब देखो नेक्स्ट आपको जनरल फॉर्मूला के बाद एक ये हमारे जो है वो यूज कैसे होते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। सिंपली अगर हम एक कार्बन की बात करते हैं, सपोज मैं 4 कार्बन की बात करती हूँ, है ना, 4 आप इजीली बना के भी देख सकते हो। मैंने पहले 4 कार्बन ले लिए, 1, 2, 3, 4। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब भी आपको हाइड्रोकार्बन बनाने हैं सिंगल बॉन्ड तो मस्ट है, बनेगा ही बनेगा। तो क्या करना है, मुझे 4 कार्बन का अगर कंपाउंड बनाना है, मैं सबसे पहले सिंगल बॉन्ड का ले रही हूँ, तो आपको इसका फॉर्मूला, अभी तो हम क्या कर रहे थे, इस टाइप से डॉट डॉट बना के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे, वो आपको आनी चाहिए क्योंकि वो बेसिक है। अगर आप वो करोगे तो ही आपको ये समझ आएगा। ऐसे आप क्रैम नहीं कर सकते कि कार्बन कार्बन में आपने बॉन्ड लगा दिया और आपने कंपाउंड बना दिया, नो। तो वो आपका क्या था, एक बेसिक पॉइंट था, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप अपने हायर लेवल से इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। आपको 4 कार्बन की स्ट्रक्चर बनानी है, आपने 1, 2, 3 यहाँ पे नेम भी लिख दो, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर दो कि ये कार्बन है। फिर उसमें सिंगल बॉन्ड तो लगेगा ही लगेगा, डबल ट्रिपल वाला करोगे तो बाद की बात है, डबल आ जाएगा तो हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, बट सिंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो हमें सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड बनाना है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इसने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना रखा है, कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। एक इसने ऑलरेडी बना रखा है, बाकी कितने बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं। 3 बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब ये वाले कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड इसने यहां बनाया और 1 बॉन्ड इसने यहां बना रखा है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, होने कितने चाहिए, 4 होने चाहिए, 2 ऑलरेडी है तो कितने रह गए, 2, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, H2। मीन्स जितने बॉन्ड उसने कार्बन के साथ बना रखे हैं, रिमेनिंग बॉन्ड वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना रखे हैं, 2 बॉन्ड फर्दर किसके साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। 1 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कितने रह गए, 3 रह गए। तो इसको ये वाला पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी है
कि CH3 CH2 CH2 कैसे लगते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगल बॉन्ड में लास्ट वाले में 3 लगते हैं, लास्ट वाले में 3 लगेंगे, बीच में H2 आएंगे। बट समझ के करना है, हमें क्रैम नहीं करना, हर चीज समझ के करनी है कि यहाँ पे 3 आया तो 3 क्यों आया। बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड उसने ऑलरेडी कार्बन के साथ बना रखा है, 3 बॉन्ड फर्दर वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये आप देखो, अब हमारा ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। अब हम इसमें एक बार देखते हैं कि 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। हाइड्रोजन टोटल काउंट करो कितने हैं, कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 एंड 3 कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए। अब ये हमने क्या किया, एक लंबा पूरा लॉन्ग मेथड यूज किया कि पहले हमने कार्बन 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 हमने राइट डाउन किया, फिर हमने उसको काउंट किया। बट हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला बना रखा है। अब हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो मीन्स एल्केन वाला फॉर्मूला लगेगा, CnH2n+2। एन यहाँ पे कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं हमारे को, कितने चाहिए, फोर्थ नंबर वाले कार्बन का हमें डाटा चाहिए कि इसमें कितने क्या है, इसका बायोडाटा चाहिए। तो क्या होगा, एन की जगह हम 4 पुट करेंगे। अगर मैंने यहाँ एन की जगह 4 पुट किया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी, एन की जगह 4 कर दिया मैंने, अब हाइड्रोजन है, 4 2 8 8 प्लस 2 क्या हो गया, 10 हो गया। देखो अब अगर आपके पास इस फॉर्मूला से ही आप इतना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो तो आपको ये वाला लिखने की जरूरत क्या है, जहां पे ये लिखना पड़ेगा वहां आप लिखोगे, वहां आपको लिखना पड़ेगा। बट अगर आपको सिंपली स्ट्रक्चर बतानी है, सिंपली फॉर्मूला बताना है ब्यूटेन का, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको ब्यूटेन क्यों बोल रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो हमें अगर फोर्थ कार्बन का बताना है तो हम इस टाइप से क्या करेंगे, उसके अंदर फॉर्मूला में एन की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास उसकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी कि इसके अंदर इतने कार्बन होंगे, इतने हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक डबल बॉन्ड का और बता देती हूँ ताकि आपको इजिली क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला डबल बॉन्ड में भी कैसे लग रहा है। डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या करना है, हम वो भी फोर कार्बन ही हम यूज कर लेते हैं ताकि आपको और इजिली क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या करूंगी, मैं 4 कार्बन लूंगी, क्या करेंगे हम 4 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 4 कार्बन लिए, मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, एल्कीन मींस डबल बॉन्ड, आपके पास 1 है 2 है 3 है डबल बॉन्ड, वो जब हम बाद में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 डबल बॉन्ड है। 1 डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, आप यहाँ भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। अब देखो हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, मीन्स अब ये एम से क्या हो गया है, ईन हो गया। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या है, 1 बॉन्ड है, ठीक है, 1 बॉन्ड ऑलरेडी है, कार्बन है टेट्रावेलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 इसने ऑलरेडी बना रखा है, तो कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लेगा। अब देखो ये चीज समझने की है, 1 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ, मींस टोटल कितने बॉन्ड इसके ऑलरेडी बने हुए, 3 बॉन्ड, होते कितने हैं, 4, 3 ऑलरेडी है, 4 होते हैं, बचे कितने, ओनली 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हम इसका देखते हैं, 1 बॉन्ड तो ये वाला कार्बन होगा, 1 ये 1 ये, मींस हम इसके जो भी अल्टरनेट 7 वाले कार्बन है वो बॉन्ड देखेंगे कि 1 बॉन्ड यहाँ बन रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ बन रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ बन रहा है, टोटल 3 बॉन्ड बन रहे हैं, कितने होने चाहिए, 4, बन कितने रहे हैं, 3, कितने आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन। अब ये कितने बना रहे हैं, कार्बन सिर्फ 1 बना रहे हैं, यहाँ पे कोई और बॉन्ड नहीं है, तो क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या बन गया। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 1 2 3 4 यहाँ डबल बॉन्ड की बजाय अगर मैंने डबल बॉन्ड कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, क्योंकि यहाँ लगाए सेम है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2, होने कितने चाहिए, 4, तो 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 एक हाइड्रोजन आ जाएगा, 4, 1 2 क्या आ जाएगा, H2, 1 और क्या आ जाएगा, H3।
अब ये भी हमारे पास डबल बोन वाला था और ये भी डबल बोन का था, फोर फोर कार्बन। अब हम इसमें काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर तो क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, थ्री फोर फाइव, फाइव एंड थ्री एट, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लिखा, ठीक है। इसमें देखते हैं क्योंकि डबल बोन मैंने यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, वन टू थ्री फोर, फोर तो हमारे पास क्या है कार्बन है, टू थ्री, थ्री एंड टू फाइव, फाइव एंड थ्री एट, तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें भी एट। मीन इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा कि डबल बोन यहाँ पे है या डबल बोन यहाँ पे है, सेम ही हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। अब हमने क्या किया, टाइम वेस्ट किया, अगर हमारे को सिंपली फॉर्मूला ही बताना था तो हम इस जनरल फॉर्मूला में पुट करते, जनरल फॉर्मूला में पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, 4। अब अगर मैंने 4 पुट किया तो क्या आ जाएगा, c n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो आ गया 4, हाइड्रोजन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मुझे इतना सारा मत्था मारने की क्या जरूरत है अगर मेरे पास फॉर्मूला नहीं है सिंपल, तो ये क्या है ईन के लिए जनरल फॉर्मूला होगा, ऐसा ही सेम आप आयन के लिए पुट करें, आयन के लिए आपको खुद से बनाना है कि वो कैसे बनेगा, कैसे फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था एन ईन आयन, और एन ईन आयन का जनरल फॉर्मूला जो है वो कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन वही होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है, और इसमें कार्बन जो है ओनली किसके साथ बॉन्डेड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है। नेक्स्ट देखो, अनसैचुरेटेड में टू टू कार्बन टू टाइप के बॉन्डेड होते हैं, एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, आयन के लिए जो है वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2 होता है। अब उसके बाद देखो, ये इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको करा दी पीछे ही, उसके बाद देखो हमने क्या करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे इथाइन दिख रहा है, प्रोपाइन दिख रहा है, ब्यूटाइन, तो व्हाट इज ईथ प्रो प्रोम। हम अगर किसी भी कंपाउंड का नेम बताते हैं, कार्बन वन के लिए हम यूज करते हैं मीथ, मीथ वर्ड यूज करते हैं, जैसे माय नेम इज मालिका, वैसे ही इस कार्बन का नेम है कि वन कार्बन वाले का नेम जो होगा वो मीथ होगा, टू कार्बन के लिए उसका नेम होगा ईथ, कार्बन थ्री के लिए उसका नेम होगा प्रोप, कार्बन फोर वाले का जो नेम होगा वो होगा ब्यूट, कार्बन फाइव के लिए जो नेम होगा वो होगा पेंट, कार्बन सिक्स के लिए जो नेम होगा वो होगा हेक्स, कार्बन सेवन के लिए होगा हेप्ट, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, कार्बन एट के लिए होगा ओक्ट, कार्बन नाइन के लिए होगा नोन, कार्बन 10 के लिए होगा डेका। ये आपको मैक्सिमम 6 तक ही करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बन 1 के लिए मीथ, कार्बन 2 के लिए ईथ, कार्बन 3 के लिए प्रो, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, कार्बन 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेका। आपका कल का काम यही है कि आपको अपने ये 10 फ्रेंड्स के जो नेम है ना वो लर्न होने चाहिए टिप्स पे, क्योंकि अगर आपको ये नेम लर्न है तभी हम अपने आगे के टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो आपका काम यही है कि आपको ये लर्न करना है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी। एक चीज और आपको लर्न करनी है, उसके बाद हम ये सब करेंगे, ये वाली चीज आपको फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप वो मैं आपको याद कर बताऊंगी क्या होता है। सिर्फ आपको ये टेबल एक बार लर्न करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ नेम याद करनी है। देखो हैलोजन्स तो हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो आपको इजीली याद हो जाएंगे कि अगर आपके पास हैलो ग्रुप आता है तो सीएल क्लोरो होता है, बीआर ब्रोमो होता है। सेकेंड एल्कोहल, कि जो एल्कोहल है उसका सिंबल क्या है, तो एल्कोहल के लिए आपका सिंबल है ओ एच, ये आपको याद रखना है। एल्डिहाइड के लिए सिंबल होता है सी एच ओ, ये चीज आपको याद करनी है। कीटोन के लिए है सी ओ, और ये भी चीज याद रखनी है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, अगर कीटोन की बात करेंगे तो उसमें क्या है हमारे पास दोनों साइडेड बॉन्ड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होता है फॉर्मूला सी ओ ओ एच होता है।
ये आपकी, मैं आज आपको भी इसमें आइसोमर्स और इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, धीरे धीरे आप बातों को कैच करेंगे, अब बहुत सारा अगर आदमी तो सब ऊपर से चला जाएगा। तो हमने क्या किया, एन इन आइन वो आपको पता होना चाहिए, सेकेंड उनके जनरल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, उस फॉर्मूला के बेस पे कार्बन कार्बन कितने होने चाहिए हमारे पास, एन ईन और आइन होना चाहिए, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन इसके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, COOH होगा। तो ये सिंबल्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और इनके जनरल फॉर्मूला, जैसे जनरल फॉर्मूला में खुद बना के देखो कि कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 के लिए आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर बनाने के बाद सपोज आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे, उसके बाद आप इसके अंदर हाइड्रोजन अपने आप फिल करके देखो। हाइड्रोजन लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बनाने के बाद आप क्या करो, कार्बन काउंट करो कि कार्बन हमारे पास कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 आप यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हो। फिर उसके बाद करो कि 3 to 5 to 7 to 9 to 11 to 13 to 16 कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 16 है। फिर आप इसको चेक करो कि क्या ये जो आपने बनाया है वो आपका फॉर्मूला सही है, आपने ये वाले जो हाइड्रोजन लगाए हैं वो सही है। कैसे चेक करोगे, इस जनरल फॉर्मूला में जाके CnH2n plus 2 means n कितने हैं, 7 है, H कितने हैं, 7 to the 14 plus 2 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मस्ट है, अगर आप ये करोगे तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आपको ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप भी पता होने चाहिए। ये हमारा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, बहुत सारा टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया। आप इतना कर लेना, मुझे कमेंट सेशन में बताना कि आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।